स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। यूपी में स्टेट लेवल की आयुष काउंसलिंग वो चल रही है, तो इसमें कट ऑफ क्या रहेगा ऐसा बहुत से बच्चे जानना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यूपी में मॉपर राउंड की कट ऑफ क्या रही। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि MBBS और BDS की जो काउंसलिंग थी फर्स्ट सेकेंड राउंड की कम्प्लीट हो चुकी थी। मॉपर राउंड काउंसलिंग चल रही थी जिसमें लगभग 150 सीटें थी, तो उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई गई। जैसा कि जो मेरिट लिस्ट पब्लिश हुई थी यूपी DGME की साइट्स पे आकर हमने देखा होगा, वहाँ पे फर्स्ट रैंक जिस बच्चे को मिला उसके नंबर 620 समथिंग में थे। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एक बच्चा जो कि SC कास्ट से था उसको 245 या 246 समथिंग में उसको एक कॉलेज मिला है MBBS के लिए। अब ये क्यों मिला? क्योंकि वो ST कास्ट से बच्चा था और उसकी सीट रिजर्व होती है, ठीक है ना। लेकिन इसके अपोजिट हैं, जब आप जाते हैं जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, जनरल के बच्चों की मेरिट देखते हैं, तो वहाँ पर 550 समथिंग बच्चे को भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला जो है यूपी में MBBS को लेकर। यानी यूँ कहें कि यूपी में मॉपअप राउंड में MBBS की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग में 555 के प्लस में ही गई, बिलो में नहीं गई है, ठीक है ना। इस अकॉर्डिंग आयुष कट ऑफ जो जाने की उम्मीद वो भी काफ़ी हाई जाने की ही उम्मीद है, क्योंकि अगर किसी बच्चे को 555 पे MBBS नहीं मिला है, प्राइवेट में भी नहीं मिला है, तो वो क्या करेगा? फिर वो आयुष में ट्राई करेगा। तो जाहिर सी बात है वो बच्चे पहले आयुष के जो 550 वाले बच्चे हैं उनको कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। मे बी सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन जो उम्मीद लगाई जा रही है कि आयुष में यूपी में जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है वो लगभग 530 समथिंग रह सकती है गवर्नमेंट कॉलेजों की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग। यानी कि फर्स्ट राउंड में ऐसे बच्चे जो जनरल से हैं, जो EEW सर्टिफिकेट होल्डर भी हैं, तो उन सभी दोस्तों की कट ऑफ यूपी में 540 समथिंग या 30 प्लस समथिंग रह सकती है यूपी में। इसके बाद बात करूँ OBC की, तो OBC की कट ऑफ 5 प्लस जाएगी, इससे बिलो जाने की उम्मीद OBC की भी नहीं दिख रही है। SC और ST के बच्चों की सीट क्योंकि रिजर्व होती है, बच्चे कम हैं, तो यहाँ पे इनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम हो सकती है, मे बी उनको 250 समथिंग में कॉलेज मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके क्या विचार हैं प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, और कुछ जानना चाहते हैं काउंसलिंग वीडियो तो उसके लिए भी आप कमेंट करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। आपसे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।